पृथक विधायक की मांग को लेकर सोमवार को विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की ओर से नागपुर करार के पट जलाकर निषेध किया गया है। पृथक विधायक की मांग कई सालों से की जा रही है, मगर अभी तक ये न हो पाया। पिछले कुछ सालों से विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की ओर से इस मांग को लेकर आंदोलन भी किया जा रहा है। सोमवार को भी शहर के संविधान चौक पर समिति की ओर से नागपुर करार की प्रज जलाकर निषेध किया गया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि राजनीतिक पक्ष इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। विदर्भ में आने वाले सभी बिजनेस अन्य राज्यों में जा रहे हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है, किसानों की आत्महत्या भी बढ़ रही है, मगर इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं। करार किया गया था 28 सितंबर 1953 को, आज से 67 साल पहले, परंतु उस नागपुर करार के तहत जो 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य की निर्मिति की और महाराष्ट्र और विदर्भ को साथ में लिया गया, परंतु विदर्भ की जनता की इसमें सहमति नहीं थी। विदर्भ की जनता को कोई पूछा नहीं गया। उस समय के तात्कालिक कांग्रेसी जो नेता थे उन्होंने ये करार किया गया था, 5 उधर के नेता थे, 5 इधर के नेता, परंतु ये करार उल्टा हमारी जनता के लिए फसेनुक वाला करार था और इससे हमारी बहुत ज़्यादा फसेनुक हो चुकी है। या हमारे को जो कहा गया था कि जनसंख्या अनुरूप इसमें 23% हमारे को हर चीज में निधि मिलेगी, वह जगह मिलेगी, आरक्षित रहेगा, परंतु वो चीजें हमारे साथ आज तक नहीं हुआ। हमारा बैकलॉग जो है आज दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। सिंचन के प्रकल्प यहाँ पर पूरे हो नहीं रहे। रोजगार का प्रश्न ऐसा है कि 4.5 लाख नौकरियां इन्होंने भगाकर अपने तरफ लेके गए। उच्च पदों की नौकरियां उधर ही मिलेंगे आपको, और निम्न पदों में भी हमारे पास सिर्फ 6.7% ही नौकरियां हमारे यहाँ है, बाकी नौकरियां सारी ये लोग लेके जा चुके हैं। हमने जंगल पालना है और जंगल पे आधारित कारखाने जितने भी है वो सोलापुर कोल्हापुर तरफ है। यहाँ तक कि जो सिंचन का जो पैसा आता था वो सिंचन का पैसा इन्होंने, आपने देखा कि अजीत पवार जैसे उसमें लुटारू मंत्री थे, उन्होंने घोटाला किया, 75,000 करोड़ का घोटाला भी उसमें उजागर हुआ, परंतु सरकार ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। हमने पिटीशन तक दाखिल किया है और हमारे 131 धरन अभी भी अपूर्ण है, तो जिस वजह से सिंचन यहाँ पर सुपीक जमीन होने के बावजूद भी सिंचन हो नहीं रहा है। बेरोजगारी है, आत्महत्या बढ़ते जा रही है, कारखानदारी नहीं है, कोई कारखाने लगाने को तैयार नहीं, बिजली सबसे ज्यादा महंगी है। तो आज यहाँ पर नागपुर करार का हमने निषेध करके यहाँ पर नागपुर करार का होली किया है और होली करके हमने महाराष्ट्र सरकार का निषेध किया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट, इन बीसीएन न्यूज नागपुर।